पिंडलियों की ऐंठन को किस तरह से हम अपनी जो हमारी पिंडलियां हैं दोस्तों जो ऐंठ जाती हैं सारा दिन भर काम करके और ज़्यादा देर पैर नीचे लटकाने की वजह से, तो आज हम जानेंगे कि किस तरह से हम अपनी पिंडलियों की ऐंठन को दूर कर सकते हैं घरेलू उपायों से। आप ये सारा का सारी वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए क्योंकि इसके अंदर हम आपको ये जो प्याज है इसके बारे में भी बताएंगे कि ये क्या क्या वर्क करेगा और इसका जो और जो हमारे तरीके हैं। देखिए ये जो एक आप खुद देख रहे हो गोल डंडा नाम का एक ये इस तरह की जो आइटम है हम सभी के घरों में मिल जाएगा आम रूटीन पे। आप इसके ऊपर पूरा ऑयल की इसके ऊपर मसाज कर सके और आप अगर अपनी पिंडलियों के ऊपर प्रॉपर अच्छे से इसकी मालिश कर लेते हैं इस तरह से, तो आपको रात को इतनी ज़बरदस्त नींद आने वाली है दोस्तों जो आप खुद भी नहीं, मतलब जब आप करवाएंगे तभी आपको पता लगेगा कि क्या होता है। और ये साथ में एक कांसे की जो कटोरी है दोस्तों इसका भी हम आपको प्रयोग बताएंगे कि किस तरह से हमने करना है। ये देखिए अब ये भी दिखाएंगे करके कांसे की कटोरी को क्या करना है दोस्तों, आप पैर के तलवा ले लें, पैर के तलवे की मसाज करते हुए आप अगर कांसे की कटोरी लेके अगर उसकी मालिश कर लेते हैं प्रॉपर अच्छे से तो आपकी जो पैरों के अंदर से जो खून का दौरा होता है दोस्तों बहुत अच्छे से ये सर्कुलेशन में आ जाता है। और इसकी आपने क्या करना है दोस्तों, हमारा जो पैर होता है ना इस पैर के अंदर भी हमारा जहाँ से ये मैडम घुमा रहे हैं इधर हमारे पेट की आंतें होती हैं यहाँ पे सारी सारी कंप्लीट, और ये हमारी जो आंतड़ियों के साथ ही हमारा जो पिंडलियाँ होती हैं दोस्तों इसका संबंध होता है। जिन लोगों को पेट में गैस होती है अफारा होता है वो जो लोग होते हैं उन लोगों को अक्सर पिंडलियाँ अकड़ जाती हैं और वो लोग ही अक्सर अपनी पिंडलियों से तंग हो रहे होते हैं। और ये दोस्तों ये देखिए जो आप ये दिखा रहे हैं ये करके ये उंगलियों की अलग अलग अगर आप इस तरह से मसाज कर देते हैं जैसे कि ये मैडम कर रहे हैं तो आप ये समझ जाएंगे कि भी इससे आपकी पिंडलियों में बहुत अच्छे से आराम मिल जाएगा। और ये जो उंगलियों के अंदर उंगलियां फंसाकर अगर आप इस तरह से प्रॉपर वे में अगर इनकी खिंचाई करते हैं आप अपनी उंगलियों की तो इससे आपकी जो ऐंठन है पिंडलियों की और साथ में आपके पैरों के पंजों की तो बहुत बढ़िया से होती है। और ये जो ये देखिए आपने क्या करना है, आपने अपने जो पैर की जो टखना है उस टखने को आपने प्रॉपर ऑयलिंग करके अगर आप इसको अपने अंगूठे और हाथ के साथ अगर इसकी आप प्रॉपर इस तरह से जैसे एक पेंच की चूड़ी चढ़ाते हैं इस तरह से अगर आप इसकी चूड़ी चढ़ाना हम इसकी मालिश बोलते हैं अगर आप इसकी कर देते हैं तो दोस्तों बहुत बढ़िया से आपकी पिंडलियों में राहत मिलती है और आप रात को बहुत बढ़िया नींद सोने वाले हैं अगर आप ये करवा लेते हैं। क्योंकि सारा दिन भर अगर आप काम करते हैं उससे आपकी जो थकावट होती है वो आपकी ठीक हो जाती है। ये देखिए ये दोस्तों जैसे पिंडलियाँ ये जो ऐंठ जाती हैं इन ऐंठी हुई पिंडलियों को हम इससे बिल्कुल अपनी फिट कर सकते हैं जैसे कि ये मैडम बहुत बढ़िया तरीके से ये आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन से आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से हमने अपनी पिंडलियों की ये एक बढ़िया मसाज करनी है। जैसे कि अलग अलग टेक्निक से इन्होंने दिखाया, पहले एक गोल डंडे से दिखाया फिर कांसे की कटोरी से दिखाया अब हाथ के एक्यूप्रेशर पॉइंट से दिखाया। अब दोस्तों इसके अलावा आपको और जो तरीके हैं एक क्या करना है दोस्तों, आपने ये कपड़ा ले लेना है, इसमें हमने एक तकिया लिया है एक कपड़ा लिया है। कपड़े में क्या करना है, आप कपड़े को इस तरह से दो बार लपेटा ले लें उसका और आप एक पैर के ऊपर अगर अपने पैर को ऐसे रख के अगर इसको अच्छे से खींच देते हैं तो आपके जो पैरों की जो पिंडली हैं उन पिंडलियों के अंदर इसके अंदर बहुत बढ़िया से खिंचाई आती है और आपका जो पैरों की जो पिंडली हैं दोस्तों ये बहुत बढ़िया से इसकी हमारी ढीली पड़ जाती हैं और हमें बहुत आराम देती हैं। इस तरह से आपने दोनों पैरों की बारी बारी सर जैसे अब एक की करी अब दूसरे में भी आपने क्या करना है, दोनों पैरों का लपेटा लेना है और इस पैर को ऐसे आपने खींच के रखना है और दूसरे पैर की इससे सपोर्ट देनी है। इस तरह से आपके दोनों पैरों के अंदर जो पिंडलियां हैं बहुत बढ़िया से आपकी ढीली हो जाएंगी। और आपने क्या करना है दोस्तों, एक ये तकिया ले लेना है, इस तकिए को क्या करना है आपने अपने हिप्स के और पिंडलियों के बीच के अंदर रख देना है और इस तरह से अगर आप इस मुद्रा में वज्रासन की मुद्रा में अगर आप बैठ जाते हैं तो आपकी जो पिंडलियाँ हैं उनमें बहुत बढ़िया से ये ढीली पड़ जाती हैं जो कसी होती हैं और साथ में अगर आप अपनी मुट्ठियों के थ्रू जो आपकी जंघाएं होती हैं भी आप इस तरह से वाइब्रेशन कर सकते हैं जिससे आपके जो भोजन का जो हमारा जो हम इसलिए वज्रासन में बैठते हैं ताकि हमारा भोजन का पाचन प्रॉपर हो सके। जैसे मैंने पहले ही बताया कि हमारी जो पिंडली होती है इनका संबंध हमारी आंतों से होता है,
जब ये हमारी पिंडलियों के अंदर हम इसमें इस मुद्रा में बैठेंगे और साथ में हम एक्यूप्रेशर का ये करेंगे तो आपको बहुत बढ़िया से इसके अंदर लाभ मिलता है और आपकी पिंडलियाँ भी ढीली हो जाती हैं, जिससे आपको नींद भी बढ़िया आती है। और अगला तो आप इस ढंग से बैठ जाएं, इस ढंग से बैठ फायदा होगा अगर आपके दोनों पैर आपस में मिले होंगे, और इससे फायदा ये होगा कि आपकी जो आंतें हैं वो आपकी आंतें जो जिनमें गैस भरी हुई है जिसकी वजह से इनमें पिंडलियों में ऐंठन आई हुई है, अगर आप इसकी प्रॉपर अगर इस हिसाब से मसाज कर देते हैं ऊपर से नीचे तो बहुत बढ़िया से आपको इसमें लाभ देती है ये और सारी ऐंठन को दूर कर देती है। आपने देखो दोस्तों यहाँ से पैर के गुंठों से शुरू होना है और इसको दबाते दबाते अपने गोड्डों तक चले जाना है और फिर गोड्डों से दबाते दबाते आपने दोबारा फिर अपने पैर के अंगूठों तक आना है। इस तरह से करके हमने आपको 4-5 तरीके दिखाए। अब ये आखिरी तरीका जो हमने एक बताया था प्याज वाला, इस प्याज में एक बार ये दोबारा मैडम की मदद लेंगे। आपने क्या करना है दोस्तों, प्याज को कूट लेना है, कूटने के बाद इसका रस निकाल लेना है। रस निकालने के बाद इस रस को ये देखिए, ये कटोरी में रस है। अगर कोई भी इंसान जो ज़्यादा थका हुआ है अगर इस रस को ही अगर अपने तलवों की मालिश प्रॉपर करवा लेता है, जैसे ये एक बार उधर से दिखाइए आप, ये देखिए ये अपने तलवों की अगर मालिश को, दोनों तलवों की मालिश को अगर आप प्रॉपर करवा लेते हैं तो आपके बहुत बढ़िया से नींद भी आएगी। कई बार कई लोगों की कंप्लेंट ऐसी आती है मेरे पास जब सेंटर पे आते हैं कि डॉक्टर साहब नींद नहीं आती, पैरों में बेचैनी बनी रहती है, पैर पटकने का मन करता है। तो अगर आप प्रॉपर वे में अगर ये प्याज का रस निकलवा के अगर आप अपने तलवों की इस ढंग से मसाज अगर रात्रि को अगर आप करवा लेते हैं या खुद कर लेते हैं तो आपको बहुत बढ़िया से नींद भी आएगी और आपकी पिंडलियों की जो ऐंठन है वो भी दूर हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों हम करनाल में जो अपना जो क्लिनिक चलाते हैं मानव केयर आयुर्वेदा, उसके अंदर भी अगर आप चाहें तो हम ज्वाइंट रिपेयर किट आती है हमारी और ये हमारा नंबर है, आप उसको मंगवा सकते हैं और आप जोड़ों से रिलेटेड जितनी भी दिक्कत है उसमें ज्वाइंट रिपेयर किट से आप ठीक हो सकते हैं। तो इसी के साथ ही दोस्तों इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। शुभ रात्रि, धन्यवाद।